Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. Today, 21st June 2019. Friday hai, subah ke 7:50 ho rahe hain. आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. कल हमने देखा जबरदस्त निफ्टी इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली. और आज जैसे कि फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, आने वाले वीक में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 20th June 2019 आफ्टर मार्केट RCA पिक्चर लिया हुआ है. कल के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,727 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,640. तो ये लेवल्स कैसे ट्रेस किए थे, आइडेंटिफाई किए थे, ये अगर देखना है तो आप हमारा कल का वीडियो रिफर कर सकते हैं. उसकी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी. ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. कल एक सुपर पैटर्न यहाँ पर बना था, बुलिश पैटर्न, वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे. लेकिन जैसे ही ये ओपन हुआ कल निफ्टी इंडेक्स, तो इसने शुरू में हमारा ब्रेकडाउन लेवल था ये टेस्ट किया एज अ सपोर्ट. पेनेट्रेट हुआ ये लेवल, सस्टेन नहीं कर पाया इसके नीचे, और यहाँ से जो बाउंस बैक दिखाया इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया. और उसके बाद फर्स्ट टारगेट 11,758 ये भी अचीव हुआ, और सेकेंड टारगेट 11,787 ये भी अचीव हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 45,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. डाउ जोन्स करीब 249 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, और नासडैक भी 64 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार में भी पॉजिटिव नोट पर ट्रेडिंग देखने को मिली, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है, 34 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. चाइना मार्केट हालांकि 13 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और हांगकांग मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है. डाउ फ्यूचर देखे तो 17 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और SGX निफ्टी भी अभी हल्की सी कमजोरी यहाँ पर दिखा रहा है. तो चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस. आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं. सबसे पहले ये जो 10 मिनट के चार्ट में हम बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं. कल एक सुपर यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना था, डबल बॉटम फॉर्मेशन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. जब भी ऐसा ये डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है, ये डबल बॉटम फॉर्मेशन था यहाँ पर, इसका नेक लाइन का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया था. लेकिन यहाँ पर मूविंग एवरेजेस आ रहे थे. इंट्राडे टाइम फ्रेम के चार्ट में यहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हर्डल्स आ रहे थे, ये मूविंग एवरेजेस के हर्डल्स थे. तो इसके ऊपर ये सस्टेन कर पाना काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसने मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन करने लगा. तो अगर प्रीमियम मेंबर्स अगर ये देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने बुलिश कॉल जब भी दिया था ऑप्शन का, तभी यहाँ पर ये कॉल दिया था आफ्टर मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करने के बाद. हालांकि इसने दो बार इस ये जो नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलता है डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद, तो इसके बाद इसने नेक लाइन को दो बार यहाँ पर टेस्ट किया है. ये देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन कॉल था वो फेल हुआ, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला था उसने सुपर ब्याह से जबरदस्त प्रॉफिट दिया कल. तो ये जो पैटर्न था इसका कंफर्मेशन यहाँ पर काफी लेट मिला, कंफर्मेशन दो बार इसने ये नेक लाइन को टेस्ट करने के लिए आया था. तो पैटर्न यहाँ पर ही आइडेंटिफाई हुआ था सुबह के एक ही घंटे के अंदर, लेकिन कंफर्मेशन के लिए काफी वेट करना पड़ा क्योंकि बीच में ये सारे मूविंग एवरेजेस थे इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से, तो इसके ऊपर सस्टेन कर पाना काफी इंपॉर्टेंट था. तो ये था बुलिश पैटर्न जो कि कल यहाँ पर लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई किया जा सकता था. तो ये था 10 मिनट का चार्ट. कल का ये जो पैटर्न बना था ये एक्सप्लेन करना था. चलते हैं वीकली चार्ट में. वीकली चार्ट में यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए. तो RSI को देखें तो यहाँ पर अभी भी ये RSI में हमें
डाइवर्जन दिखाई दे रहा था, ये यहाँ पर हायर हाइज बना रहा है प्राइस एक्शन, लेकिन RSI में यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है। अभी RSI में यहाँ पर हायर हाइज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जब प्रीवियस हाई को तोड़ के ऐसे ऊपर जाएगा तभी ये डाइवर्जन यहाँ पर फेल होगा। ये जो बियरिश पैटर्न बना हुआ है डाइवर्जन का, ये फेल हो जाएगा जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर अभी भी प्राइस एक्शन में देखे तो यहाँ पर भी बियरिश इम्पैक्ट जो है वो बना हुआ है। जब तक ये प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता वीकली चार्ट के हिसाब से, तब तक यहाँ पर बियरिश इम्पैक्ट यहाँ पर रह सकता है। तो नीचे यहाँ पर 30,073 ऑलमोस्ट 30,000 के पास सपोर्ट है जहाँ पर यह गैप क्रिएट हुआ था, और ऊपर 31,030 का ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना आने वाले वीक में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर जबरदस्त ये रेजिस्टेंस है अराउंड 36.4 के लेवल के पास, 31,621, जहाँ पर 3 वीक्स इसने कंटिन्यूज रेजिस्टेंस फेस किया था पास्ट में, तो ये मेजर रेजिस्टेंस है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड आने वाले वीक में यहाँ पर बना सकते हैं। एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में अभी यहाँ से ये अगर 20 EMA के ऊपर सस्टेन करता है आज भी, तो यहाँ से ये स्विंग लो बन जाएगा। स्विंग लो बनने के बाद हम यहाँ से इसको ऐसे फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू ये लो पकड़ के, ये हाई पकड़ के और ये फिर लो पकड़ के आने वाले प्रोजेक्ट्स, आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो डेली चार्ट में अभी सपोर्ट के ऊपर है ये 50 EMA, और यहाँ से कल इसने बाउंस बैक दिखाया, लेकिन और एक कंफर्मेशन चाहिए 20 EMA के ऊपर ये सस्टेन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है डेली वीकली चार्ट का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट में। यह वीकली चार्ट निफ्टी का, हमने यहाँ पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। तो इसका 50% का ये जो लेवल है, ये लो से लेके ये हाई, इस रेंज का जो 50% का लेवल था, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हुआ था, और यहाँ से इसने फिर बाउंस बैक दिखाया है। और फिर अगर ये यहाँ से और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये स्विंग लो का पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें कुछ लेवल्स ऐड करने होंगे, 23.6, 38.2 और 50%। तो ये लेवल्स कुछ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो अभी आप देख सकते हैं इमीडिएट 11,859 का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ये जो है ये फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है, ये इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है आज तो 38.2% का लेवल फिर से 12,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। एक बार 12,000 के ऊपर डिसीजिव मूव आती है तो हमें और भी टुवर्ड्स निफ्टी में अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिल सकती है। ग्लोबली अगर न्यूज देखें तो ईरान, अमेरिका और चाइना के बीच में थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है, तो ग्लोबल मार्केट कैसे बिहेव करता है इस न्यूज़ के ऊपर, इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। टेक्निकली देखें तो अगर ये स्विंग लो बनता है तो ये हम आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर पास्ट में, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर दिखाया था कि ये 50 EMA से पास्ट में भी ये बाउंस बैक दिखाया था। यहाँ पर 50 EMA से इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था। अगर 50 EMA को ब्रेक करता है तो 100 EMA से ये बाउंस बैक दिखाता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्रे लाइन है ये 100 EMA का लाइन है, और 50 का ये जो EMA का लाइन है ये ब्लू लाइन है। तो यहाँ से अभी ये 50 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है और इसने यहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। अभी ये 23.6 का क्विकली एक रेजिस्टेंस आ रहा है एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन। तो इस लेवल के ऊपर कंफर्टेबली अगर सस्टेन करता है आधे घंटे के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में, तो ही हम यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं और 12,000 हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, अभी ये बुलिश कैंडलस्टिक बना है तो कल का जो रिकवरी आया था इसमें बायर्स भी होंगे, तो वो आफ्टर 140 पॉइंट्स का अपसाइड मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं।
तो 23.6% के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, एक बार इसका 10 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में देखा था हमने डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन बना था, राइजिंग बॉटम था यहाँ पर, ये देखिए राइजिंग बॉटम था, और इसने ये जो बॉटम बनाया था इसका नेक लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया था, ये नेक लाइन का ब्रेकआउट दिया था और जबरदस्त बाद में ये अपसाइड मूव आया था। तो यहाँ पर ये हर्डल्स थे पहले मूविंग एवरेजेस के इंट्राडे चार्ट के हिसाब से, इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी था और उसके ऊपर सस्टेन होने के लिए काफी देर तक ये इसको पेनिट्रेट करते रहा नेक लाइन को। तो यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना हुआ था, लेकिन ये 10 मिनट के चार्ट में बना है। अगर डेली चार्ट में बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर ये बनता है तो काफी टाइम तक ये सस्टेन करता है। हमने डेली चार्ट में यहाँ पर देखा था, ये देखिए ये डबल बॉटम फॉर्मेशन, बड़े टाइम फ्रेम में आता है तो बड़ी मूव देखने को मिलती है और छोटे टाइम फ्रेम में आता है तो हमें छोटी मूव देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल ये 10 मिनट के चार्ट में आया था, तो ये अब तक कहाँ तक सस्टेन करेगा ऊपर अपसाइड तक ये कहा नहीं जा सकता। अभी 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, क्विकली आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यह 60 मिनट का चार्ट, अगर निफ्टी इंडेक्स कल का हाई अगर ब्रेक करता है यानी इसके ऊपर सस्टेन करता है 11,844 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इमीडिएट 11,870, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,905, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो अभी यहाँ पर काफी सपोर्ट लेवल्स है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है एज पर इंट्राडे चार्ट। पहले तो ये मूविंग एवरेजेस है 100 EMA, 50 EMA, बाद में पिवट पॉइंट का लेवल है। कल का ये स्विंग हाई भी है यहाँ पर, यहाँ से प्राइस घूमा था, तो ये काफी सपोर्ट लेवल्स है यहाँ पर, काफी रिस्की हो सकता है यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाना इंट्राडे के लिए। सो कंपल्सिव ट्रेडर्स है वही इसके बारे में सोचे। ये अगर ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो कैंडलस्टिक बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने एक स्विंग लो बनाया था पास्ट में, तो अगर ये अगर ब्रेक होता है 11,813 अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इमीडिएट। ये जो 100 EMA का ग्रे लाइन है ये अभी फिलहाल 11,792 के पास आ रहा है, तो ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद ये हमारा 11,770 का जो पिवट पॉइंट का लेवल है ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।